खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मुल्क भर में महंगाई की शरह 37.6% की सतह पर पहुंच गई। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 3.68 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते के दौरान 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। घी, दालें, चावल, आलू, टमाटर, दूध, दही, चीनी और गोश्त की कीमतें बढ़ीं। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 11 रुपए का इजाफा हुआ। दाल मसूर 12 रुपए, दाल माश 9.34 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल चना 5.30 रुपए, दाल मूंग 3 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो गई। 2.5 किलो का घी का टीन 25 रुपए महंगा होकर 1426 रुपए का हो गया। लहसुन की फी किलो कीमत में 5.42 रुपए का एक हफ्ते में इजाफा हुआ। आलू की कीमत में 28 पैसे, दूध की फी किलो कीमत में 56 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत में 29 पैसे, मटन की कीमत में 3.45 रुपए का इजाफा हुआ। दायरा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में बिजली के फी यूनिट में 1.88 रुपए इजाफा हुआ। प्याज, आटे के थैले, अंडों और फी दर्जन केला की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। प्याज की फी किलो कीमत में 19 रुपए, अंडों की फी दर्जन कीमत में 30 रुपए कमी हुई।